हेलो दोस्तों, वेलकम है यूट्यूब चैनल यूवी डिज़ाइनर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बेबी स्कर्ट बनाने वाले हैं। तो इसे बनाना एकदम इजी है और ये भी बहुत ज़्यादा लेटेस्ट में चल रहा है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक कपड़ा कटिंग करके रखा है। तो मैंने यहाँ पर इसकी जो टोटल लंबाई वो 13 इंच रखनी है हमारी को, और मैंने यहाँ पर 7 इंच का कपड़ा लंबाई में कट किया है। और इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर कमर के हिसाब से रखना है हमें। तो स्कर्ट की हमें यहाँ पर कमर रखनी है 23 इंच, तो हमें उसमें कम से कम 6 से 7 इंच प्लस कर देना है लूजिंग के लिए। तो देखिए, मैंने इसकी जो टोटल लंबाई 30 इंच रखी है, मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ। कम से कम हमें 6 से 7 इंच इसको लूज रखना है। तो मैंने यहाँ पर 30 इंच का कपड़ा कट कर लिया है, और इसी साइज में मैंने यहाँ पर 3 कपड़े जालरी के लिए कट किए हैं। तो इनकी मैंने देखिए यहाँ पर 3 कपड़े कट किए हैं बराबर में सेम साइज़ में। इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 7 इंच रखी है और लंबाई 30 इंच रखी है। तो इस साइज़ में मैं यहाँ पर ये कपड़े कट कर लेने हैं। और अब देखिए, मैं हमें क्या करना है, यहाँ से पहले इन 3 कपड़ों को इस तरह से जॉइंट करके लंबा कपड़ा तैयार कर लेना है। तो चलिए हम मशीन पर चलते हैं, इसको तैयार करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसे लगे। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर इसको इस तरह से जॉइंट करने के बाद में यहाँ पर हमें एक सिलाई और लगा लेनी है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस जॉइंट को हमें इस तरह से ऊपर रखना है सीधे वाले कपड़े को, और यहाँ से हमें कुछ निशान लगाने हैं प्लेट्स के लिए। तो देखिए, मैं यहाँ से 2-2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेने हैं। हमें यहाँ पर पूरे कपड़े में 2-2 इंच पे निशान लगाते जाना है। तो जो ये कपड़े की लंबाई कम से कम हो गई 90 इंच हो गई इसकी लंबाई। अब देखिए, हमें यहाँ पर प्लेट्स डालनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर पकड़ना कपड़े को, एक निशान को, और दूसरे निशान को हमें इस तरह से आमने सामने रखना है, और उसके अपोजिट साइड में हमें इस तरह से प्लेट्स डाल लेनी है। तो हमें यहाँ पर प्लेट्स को आमने सामने डालना है। तो चलिए, इसको मैं आपको डाल के भी बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरह से करके हमें यहाँ पर पूरे में ये प्लेट्स डाल लेनी है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर पूरे में प्लेट्स डाल ली है, और अब हम यहाँ पर जो हमने ऊपर वाला कपड़ा कट किया है तो इसको लगाएंगे। तो इसको हमें इसके ऊपर इस तरह से रखना है, यहाँ पर हमें 1/2 इंच का दबाव लगा के और इन दोनों को हमें अटैच कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको हम कट कर देंगे। और उसके बाद में मैं यहाँ पर कपड़े को इस तरह से ऊपर की साइड में हमें फोल्ड रखना है, और यहाँ पर हमें एक बूट की सिलाई लगा लेनी है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा के इस तरह से इसको कंप्लीट कर लिया है, और अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक लगाने के लिए हमें यहाँ पर पहले अलग से कपड़ा कट करना पड़ेगा। तो देखिए, इसकी लंबाई यहाँ पर डबल में 15 इंच हो गई। तो हमें यहाँ पर इलास्टिक लगाएंगे, इसकी चौड़ाई इलास्टिक हमें यहाँ पर 1/2 इंच रखेंगे। अगर आप चाहो तो 1 इंच या 1.5 इंच भी रख सकते हो, मैं इसकी लंबाई 1/2 इंच रख रहा हूँ।
तो देखिए 7 इंच के हिसाब से हमें यहाँ पर कपड़े की चौड़ाई रखनी है 3.5 इंच, और लंबाई जितनी हमारे यहाँ पर स्कर्ट की चौड़ाई है उसके हिसाब से हमें इसकी चौड़ाई रख देनी है। यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पर दो भाग में यहाँ पर कपड़ा लिया है, तो अगर आप आपके पास में सीधा कपड़ा हो तो आप एक कपड़े में भी इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए हमें यहाँ पर जॉइंट लगा लिया है, और जॉइंट को हमें अंदर की तरफ रखना है, और उसके बाद में हमें यहाँ पर स्कर्ट को लेना है यहाँ से ऊपर वाले पार्ट्स को, और यहाँ पर हमें इस तरह से रखना है इसको, और यहाँ पर हमें 1/2 इंच का दबाव लगा के यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो जब हम इसमें 1/2 इंच का दबाव लगाएंगे तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई टोटल 7 इंच शेष रह जाएगी। तो हमें जितनी हमारी इलास्टिक की चौड़ाई है उतनी इलास्टिक यहाँ पर कपड़े की चौड़ाई रखनी है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़े इसकी कटिंग कर देनी है, और उसके बाद में हमें यहाँ पर एक बूट की सिलाई लगा के इसको फिनिश कर देना है। अब दोस्तों हम इसमें इलास्टिक डालेंगे, तो यहाँ पर हमें इलास्टिक की चौड़ाई रखनी है जितनी हमारे कमर की चौड़ाई, उसमें हमें कम से कम मतलब हमें यहाँ पर 3 इंच कम रखना है इसको। तो हमें इसकी लंबाई रखने लिए यहाँ पे 20 इंच, कमर हमारी इसकी 23 इंच, और इसको रखना हमें 20 इंच। अब हमें यहाँ पर सेफ्टी पिन की सहायता से इसको इसके अंदर डाल लेना है। देखिए मैंने इसको इसके अंदर बराबर में अंदर डाल दिया है, और अब हमें यहाँ पर इसको सेफ्टी पिन को निकाल देना है, और निकालने के बाद में हमें इसको इलास्टिक को किनारे पे इस तरह से ले आना है बराबर में, और लाने के बाद में हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इलास्टिक को हमें यहाँ पर दबा देना है। तो इसी तरह हमें दोनों तरफ यही प्रोसेस करनी है। देखिए मैंने दोनों तरफ से इलास्टिक को इस तरह से लगा दिया है, और अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो पहले हमें यहाँ पर सीधे कपड़े भी सिलाई लगानी है, और यहाँ पर हमें ओनली फॉर एक बूट का दबाव रखना है। अब हमें यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ये जो धागे निकल रहे हैं इनको हमें यहाँ पर काट देना है, और काटने के बाद में इसको फोल्ड कर लेना है इस तरह से उल्टा करके, और यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा देनी है, इसका दबाव में 1/2 इंच रखना है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर इसको सीधा कर लेना है, और उसके बाद में हमें यहाँ पर इसको नीचे से फोल्ड करना है। तो नीचे से हमें ओनली फोर 1/2 इंच का कपड़ा फोल्ड कर लेना है इस तरह से। तो देखिए दोस्तों ये हमारा स्कर्ट यहाँ पर तैयार हो गया है। इस तरह से मैंने स्कर्ट को तैयार कर दिया है। अब हम इसमें इसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक गिट्टी ली है, और इसको हमें यहाँ पर ब्लेड की सहायता से इस तरह से धागे को कट कर लेना है। अच्छी तरीके से हमें पूरे धागे को यहाँ पर कट कर लेना है, और कट करने के बाद में हम यहाँ पर इसको फ्लावर बनाएंगे। इस तरह से इसको उल्टा रख लेना है, और इन दोनों को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर हमें बीच में गांठ लगा लेनी है।
गांठ लगाने के लिए हमें कम से कम 4-5 धागों को इकट्ठा कर लेना है और उसके बाद में हमें यहाँ पर गांठ लगानी है। अब हमें इसको इस तरह से ऐसे फॉरवर्ड कर लेना है। और उसके बाद में हमें यहाँ पर कंघे की सहायता से इसको अच्छे से बराबर में कर लेना है और जो एक्स्ट्रा धागे निकलेंगे उसको हम कट कर देंगे। दोनों तरफ से हमें इसको अच्छी तरह फिनिश कर लेना है। देखिए फ्लावर बन गया है और अब बनाएंगे हम लटकन। तो इस तरह से हमें यहाँ पर अंगुलियों पे धागे को लपेट लेना है। और उसके बाद में हमें यहाँ पर इस तरह से इसके अंदर धागा डाल के एक साइड से यहाँ पर हमें गांठ लगा देनी है। और उसके बाद में हमें यहाँ पर कैंची से इसको कट कर लेना है और बराबर करके हमें इसको भी यहाँ से हमें इसको बांध देना है। इसको भी इस तरह से अच्छी तरह से बराबर करके और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनको हमें कट कर लेना है। और इसी तरह से हमें दो लटकन तैयार कर लेने हैं। अब चलिए हम इसको स्कर्ट के ऊपर लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर ये फ्लावर लगाना है और यहाँ पर हम एक बटन भी लगाएंगे। अब लगाएंगे हम लटकन। तो लटकन लगाने के लिए मैंने यहाँ पर मोती लिए हैं। तो इसके अंदर हमें यहाँ पर मोती डाल देने हैं और इनको लगा देना है। इसी तरह से हमें यहाँ पर दूसरा वाला लटकन भी डाल देना है। और देखिए इसी के साथ में हमारे यहाँ पर स्कर्ट तैयार हो गया है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये स्कर्ट कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।